इस वीडियो में हम बेसिक्स ऑफ इमेज प्रोसेसिंग पढ़ेंगे जो कि कंप्यूटर विजन के लिए है, इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना सीखेंगे और रीजन ऑफ इंटरेस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, एक रीजन ऑफ इंटरेस्ट एडिटिंग टूल भी बनाएंगे, एक GUI भी बनाएंगे और सपोर्टिंग वेब पेजेस vettirobo.com/tlram पे हैं और यूट्यूब पे वीडियो भी है TLRAM रोबोट का। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम मैटलैब के अंदर एक माय डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैटलैब के अंदर एक अपना फोल्डर बनाने की mkdir और फिर अपन डायरेक्टरी का नाम दे देते हैं। तो इस बार अपन दे देते हैं roi टेस्ट नाम से अपन दे देते हैं। ये डायरेक्टरी बन गई और डायरेक्टरी बनने के बाद अपन उस डायरेक्टरी में चलते हैं डबल क्लिक करके। फिर अपन एडिटर को स्टार्ट करते हैं और प्रोग्राम अपना इसी के अंदर roi टेस्ट के अंदर अपन सेव करेंगे। अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं, इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि आप माय डॉक्यूमेंट्स में मैटलैब फोल्डर में एक अलग फोल्डर बना के अपना काम शुरू करें। तो प्रोग्राम का नाम हम दे देते हैं roi टेस्ट _001 और एज यूजुअल clc क्लियर क्लोज ऑल। फिर हम लोग एक इमेज लेते हैं। जो इमेज अपन डिस्कस करने वाले हैं वो TLRAM रोबोट से रिलेटेड है। TLRAM रोबोट एक टू लिंक रोबोटिक आर्म है जो एक ह्यूमन बीइंग के साथ में टिक टैक टो नाम का गेम खेलता है जिसमें क्रॉस और जीरोज होते हैं। तो यहाँ पे 5x5 टिक टैक टो का अपन एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें 4 इन अ लाइन विनर होता है। ह्यूमन बींग्स के बींग के पास में रेड कलर की गोटियाँ हैं जबकि रोबोट के पास में ब्लू कलर की गोटियाँ हैं। एक टर्न ह्यूमन चलता है, एक टर्न रोबोट चलता है और रोबोट जो है उसके पास एक कैमरा है जिसकी मदद से वो देख सकता है कि नीचे गेम बोर्ड पे ह्यूमन ने क्या चाल चली है। तो जो इमेजेस हम आज प्रोसेस करने वाले हैं और जो हम रीजन ऑफ इंटरेस्ट के लिए GUI टूल बनाने वाले हैं वो सब हम इस TLRAM रोबोट के लिए कर रहे हैं। जब TLRAM रोबोट अपने कैमरा से देखता है तो नीचे उसे गेम अरीना दिखता है टिक टैक टो का। ये एक्चुअल इमेज है जो TLRAM रोबोट के कैमरा ने ली है। इसके अंदर एक 5x5 टिक टैक टो है, 1 2 3 4 5 अपन देख रहे हैं 5x5 का ये टिक टैक टो है। और अपन जो आज की इमेज प्रोसेसिंग करने वाले हैं उसमें अपन देखने वाले हैं कि ह्यूमन प्लेयर ने ये जो रेड कलर की चेकर्स ह्यूमन बींग के लिए है उनमें से कोई चेकर उठा के इन 5x5 यानी 25 लोकेशंस में से कहाँ रखी है। तो एक चाल ह्यूमन चलता है, एक चाल रोबोट चलता है और इंसान का क्या भरोसा, ह्यूमन एक गोटी रोबोट की हटा भी सकता है या अपनी रखी हुई गोटी को बदल भी सकता है। तो चीटिंग के लिए भी चेक करना पड़ सकता है। तो अपन एक छोटे से एग्जांपल से शुरू कर रहे हैं कि बीच वाले के अंदर ह्यूमन बीइंग ने गोटी रखी या नहीं रखी। जैसे अभी मैंने ये रेड गोटी यहाँ पे दिखाई है, इनिशियली गोटी यहाँ नहीं पड़ी थी बट ह्यूमन बीइंग की जब टर्न आई तो ह्यूमन बीइंग ने एक रेड गोटी उठा के इस जगह पे रख दी। लाइट वेरिएशंस भी हो सकते हैं जैसा यहाँ पे दिखाया गया है कि हमारे पास जो सैंपल इमेज है वो दिन में ब्राइट लाइट की है, ऊपर हमारे रोबोट में LEDs चालू हैं और ये डार्क में है यानी कि जब कमरे के अंदर या एम्बियंट लाइट जिसे अपन कह सकते हैं एम्बियंट लाइट कम थी तो ऐसी इमेज आई। तो अभी जो अपन एल्गोरिथम डेवलप कर रहे हैं वो एक बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिथम है जो ये बताएगा कि इन 25 लोकेशंस में से ह्यूमन बीइंग ने कहाँ पे चाल चली है। जो सपोर्टिंग वेब पेजेस हैं उनमें पूरा TLRAM रोबोट का एल्गोरिथम दिखाया गया है और बेसिकली TLRAM रोबोट के अंदर यह है कि वो कुछ वेरिएबल्स सीरियल पोर्ट कैमरा और रोबोट की पोजीशन को इनिशियलाइज करता है, सारे रूल्स ह्यूमन बीइंग को बोल के बता देता है, उसके बाद एक लूप चलता है जिसका नाम है ABC। वो पहले ह्यूमन प्लेयर के लिए वेट करता है ताकि ह्यूमन प्लेयर अपनी टर्न चल सके, उसके बाद देखता है कि कोई दोनों में से विनर तो नहीं है अभी तक, फिर अपना नेक्स्ट मूव कैलकुलेट करता है, फिजिकली इस मूव को चलता है और कुछ रिजल्ट होता है तो उसे बोलता है। ये प्रोसेस जो है ABC लूप चलता जाता है जब तक कि ह्यूमन या रोबोट में से कोई जीत नहीं जाता या गेम ड्रॉ नहीं हो जाता। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, वो ये है कि सबसे पहले वो ह्यूमन के लिए वेट करता है
और उसको डिटरमाइन करना होता है कि ह्यूमन या रोबोट में से किसने, मतलब ह्यूमन ने अपनी चाल चल ली है क्या। तो वो स्टेप अभी अपन यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। सेकंड पेज जो है इसी एल्गोरिथम का पूरा डिटेल है। स्टेप 0A जो कि इनिशियलाइज करता है, रूल्स स्पीक करता है, वेट फॉर ह्यूमन टू प्ले। इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है कन्वर्ट इमेज टू 5x5 टिकटेक्टोमेट्रिक्स। मोर पे क्लिक करने पे नेक्स्ट वेब पेज खुलता है जो कि आपको पूरी डिटेल्स बताता है, और पूरा डेमो जो है वो प्रोवाइड किया गया है एक जिप फाइल के अंदर, जिसके अंदर मैटलैब के कोड, सैंपल इमेजेस, सारी चीज़ें हैं। तो आज जो अपन इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं वो ये टॉपिक है कन्वर्ट इमेज टू टेक्स्ट, और उसके लिए सपोर्टिंग वेब पेजेस हैं। तो हमारे पास इनिशियली कोई इमेज है, जैसे कि यहाँ पे इमेज दिखाई गई है, ये इमेज आप देख सकते हैं। इस इमेज को हमें अल्टीमेटली ये जो स्टेप 3 में 2D मैट्रिक्स दिखाई गई है इसके अंदर कन्वर्ट करना है, यानी इस इमेज को प्रोसेस करके, अपने पास इमेज जो है वो ये है, इस इमेज को प्रोसेस करके हमें टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, और टेक्स्ट में कन्वर्ट करके हमें ये देखना है कि ये मैट्रिक्स हमारे पास में जो स्टेप नंबर 3 के अंदर दिखाया गया है ये चीज हमारे पास आ जाए। इसे अपन इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्ट करना कह रहे हैं। इसके लिए कई सारे स्टेप्स हैं जो अपन फॉलो करेंगे। अपने पास इनिशियली इमेज है, उस इमेज को अपन छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर ब्रेक कर देंगे। जैसा अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि इमेज को अपन ने 25 अलग अलग टुकड़ों के अंदर ब्रेक कर लिया, और उन 25 टुकड़ों के अंदर अपन देखते हैं कि मेजोरिटी कलर क्या है। तो इसमें मेजोरिटी कलर रेड आ रहा है, जो कि इमेज अभी अपन यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें मेजोरिटी कलर रेड आ रहा है, और यहाँ पे रेड आ रहा है, कहीं पे ब्लू आ रहा है, और जहाँ पे रेड और ब्लू दोनों ही नहीं है उसको अपन ग्रीन से डिनोट कर रहे हैं। और फिर अपन लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि रेड पिक्सेल्स के परसेंटेज कितने हैं, ब्लू पिक्सेल के परसेंटेज कितने हैं, और अदर पिक्सेल्स के परसेंटेज कितने हैं। उसके बेसिस पे अपन डिसाइड कर रहे हैं कि किस रो कॉमा कॉलम पे कौन सी चेकर पड़ी है। तो यही पूरी चीज अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और इसी काम को आसान करने के लिए क्या मैटलैब के अंदर अपन टूल्स बिल्ड करते हैं, और यहाँ पे डिटेल्ड लिस्ट दी गई है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स इस जिप फाइल के अंदर हैं। तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के लिए मैटलैब डॉक्यूमेंट्स में, मैटलैब में ROI टेस्ट जो फोल्डर अपन ने आज बनाया है, जिसमें अपन ये सैंपल प्रोग्राम आज बना रहे हैं, उसके अंदर ही मैं दो फाइल्स, अभी सैंपल फाइल्स कॉपी करता हूँ। एक फाइल का नाम है सैंपल ब्लैंक .BMP, और एक का नाम है सैंपल रेड मिड, यानी रेड चेकर जो है वो मिडल में रखा हुआ है। तो इन दो फाइल्स पे अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो मैं इस फाइल का नाम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके मैं वापस अपने मैटलैब के प्रोग्राम में जाता हूँ, और मैटलैब के प्रोग्राम में अपन एज यूजुअल i=IM read और फिर फाइल नेम देते हैं, उसके बाद में अपन IM show i करते हैं, और इस प्रोग्राम को अपन रन करते हैं। तो वेरी फर्स्ट टाइम अपन यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना भूल गए हैं, जो कि बहुत कॉस्टली हो जाता है बड़ी इमेजेस के सेंस में। तो ये इमेज है जो अपने पास इनिशियली पड़ी है। अब अपन पता करना चाहते हैं कि इसके सेंटर में रेड चेकर है कि नहीं। एक्चुअली अपन को पूरा जो एल्गोरिथम बनाना है वो पूरा इन 25 पोजिशंस के लिए बनाना है। इन 25 पोजिशंस में किस जगह पे कौन सा चेकर पड़ा है ये हमें देखना है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं कि इनिशियली ह्यूमन ने जैसे एक चेकर यहाँ पे रखा है, और फिर जैसे जैसे गेम चलता जाएगा ह्यूमन और रोबोट एक एक चेकर रखते जाएंगे और गेम आगे बढ़ता जाएगा। और अपने को हर वक्त पता करना है कि गेम बोर्ड के ऊपर कितने चेकर्स पड़े हैं, कौन से कलर का चेकर कहाँ पे पड़ा है, और रोबोट हर चाल के बाद में एक फोटो ग्रैब करेगा। उस इमेज को अपन को प्रोसेस करना है और पता लगाना है कि कहाँ पे कौन सा चेकर पड़ा है। यहाँ मैं आपको एक लॉग फाइल दिखा रहा हूँ जिसमें जो कुछ भी उस गेम में हो रहा था वो यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है, और जो जो इमेजेस टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट की गई हैं वो भी यहाँ पे दी गई हैं कि भाई ये इमेजेस इस तरीके से कन्वर्ट हुई थी। उसके हिसाब से रोबोट अपनी गेम स्ट्रेटजी सोचता है और अपना नेक्स्ट मूव चलता है। तो यहाँ पे एक लॉग फाइल आपको दिखाई गई है जिसके अंदर इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्जन का फाइनल रिजल्ट जो था हर एक टर्न के बाद में
वो यहाँ पे दिखाया गया है। इनिशियली जब गेम स्टार्ट हुआ था तो रोबोट ने एक टर्न चली थी और रोबोट ने अपना चेकर यहाँ पे रखा था, उसके बाद सॉरी ह्यूमन ने अपना चेकर यहाँ पे रखा था, उसके बाद रोबोट ने अपना चेकर बीच में रखा, उसके बाद ह्यूमन ने एक और चाल चली जिसमें अपना दूसरा चेकर रखा, उसके बाद रोबोट ने अपनी टर्न ली, ऐसे करके एक 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 टर्न लेते गए और गेम आगे बढ़ता गया। तो हर स्टेप पे इमेज प्रोसेसिंग करनी हुई और वो इमेज प्रोसेसिंग कैसे करनी है वो अपन इस वीडियो ट्यूटोरियल में देख रहे हैं। रोबोट हमेशा एक ही जगह से इमेज लेगा, लेकिन थोड़ा सा फर्क जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं इमेजेस में हो सकता है, क्योंकि रोबोट के अंदर जो मोटर्स हैं वो इतना एक्यूरेटली रोबोट को एक ही जगह पे नहीं ला पाती हैं, क्योंकि हमने लो कॉस्ट मोटर्स काम में लिए जिनका प्रिसीजन इतना हाई नहीं है। तो ये पॉइंट भी अपने को इमेज प्रोसेसिंग में कंसिडर करना होगा कि जो इमेज है वो मामूली सी अपनी जगह से वेरी कर सकती है। तो क्या आप गैस कर सकते हैं कि सबसे आसान तरीका क्या है ये जानने के लिए कि ये जो बीच वाला जगह है यहाँ पे रेड कलर का चेकर पड़ा है या नहीं पड़ा है? यहाँ पे आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि सबसे आसान तरीका क्या है ये जानने का कि यहाँ पे रेड कलर का चेकर पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि अपन यहाँ एक छोटा सा इस इमेज के एक छोटे से टुकड़े को कंसिडर करें और उसमें नंबर ऑफ रेड कलर के पिक्सेल्स, नंबर ऑफ ब्लू कलर के पिक्सेल्स और नंबर ऑफ अदर कलर के पिक्सेल्स काउंट कर लें, उनमें से जो सबसे ज्यादा होगा वो ही कलर का चेकर अंदर पड़ा है। तो अगर रेड कलर के पिक्सेल्स मेजोरिटी में होते तो अपन बोलते कि रेड कलर का चेकर यहाँ पे सेंटर में पड़ा है, ब्लू कलर के पिक्सेल्स अगर मिलते ज्यादा तो अपन कहते कि ब्लू कलर का चेकर पड़ा है, और रेड और ब्लू दोनों ही नहीं है तो फिर जो भी था हम उसको बताएंगे कि रेड और ब्लू में से कोई चेकर नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट उसको अपन ग्रीन माने, ब्लैक माने, जो भी कलर उसको अपन कहना चाहें वो कह सकते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे डेटा कर्सर टूल है जिसके बारे में अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इस पर क्लिक करते हैं और डेटा कर्सर यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपने को ये अपने को इसकी एक्स वाई पोजिशन बता देता है। उसके बाद अपन ऑल्ट के साथ में ऑल्ट को दबाए रखते हैं और वापस से क्लिक करते हैं तो अपने को एक और डेटा कर्सर मिल जाता है, तो अपने को एक्स वाई की पोजीशन मिल गई। एक्स जो है वो अपन लोग जानते हैं कि ऐसे कॉलम वाइज चल रहा है, जबकि वाई जो है वो रो को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बिल्कुल एक एरे ही है जिसके अंदर एक्स कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो वाई की रेंज जो है वो आ रही है अपने पास में 195 to 128, और एक्स जो कि अपने पास सॉरी वाई जो अपने रोज को दर्शा रहा है वो 195 से 128 तक है। अगर अपन इस विंडो को थोड़ा और छोटा करना चाहें तो अपन इस विंडो को थोड़ा और छोटा कर सकते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा और अंदर लेके आ सकते हैं, क्योंकि चेकर इतना बड़ा नहीं है। अगर आप इसे और छोटा विंडो करना चाहते हैं तो अपन इतनी बड़ी इमेज जिसका नाम है आई, उसमें से एक सब इमेज जो कि इस स्क्वायर पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है उसको अलग कर लेते हैं और उसमें नंबर ऑफ पिक्सेल्स गिन लेते हैं। इतना सिंपल है। तो बस अपने को ध्यान रखना है कि वाई जो है वो करीब 190 से 135 की रोज लेनी है इमेज में से, और कॉलम्स कितना लेना है करीब 290 से लेके 345 तक के कॉलम्स लेने हैं। अब यही चीज मैं अपने कोड में लिख दूंगा कि एक सब इमेज नाम का एक और मैं वेरिएबल ले रहा हूँ, उसके अंदर आई का थोड़ा सा पार्ट रखने वाला हूँ। आई को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन चीजें होती है, कुछ रोज होती हैं और कुछ कॉलम्स, और आई के आरजीबी तीनों प्लेन्स लेने हैं। तो जैसा अपन ने डिस्कस किया कि पहले रोज दिखानी है, तो रोज अपन वापस से अपने इमेज के अंदर देख लेते हैं। रोज जो है वो वाइट से रिप्रेजेंट हो रही है, वाई वाई से रिप्रेजेंट हो रही है जो कि 190 से 135 तक चल रहा है। तो अपन लोग चले यहाँ पे, अपन ने बोला कि भाई 190 से लेके 135 तक की रोज, और कॉलम कितने चाहिए अपने को, कॉलम एक्स से रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट अपन देख लेते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 290 से लेके अप्रोक्सीमेटली 345 तक है। तो 290 से 345, जरूरी नहीं है कि अपन स्क्वायर लें, अपन तो सिर्फ एक छोटा सा आइडिया लेके चल रहे हैं। तो ये हो गया अपने 290 से लेके 345 तक, 345 तक।
और हम लोग आरजीबी तीनों प्लेन्स ले रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कोलन लगा दिया। तो ऐसा ही अपने पास में एक छोटी सी इमेज बन जाएगी। और अपन यहाँ पे चाहें तो एक नई फिगर विंडो खोलते हैं और उसके अंदर आई एम शो ऐसा ही करा देते हैं। और इतना सा कोड मैं वापस चलाता हूँ, इसके मैंने क्लिक किया और इवेल्युएट सिलेक्शन किया। ओके, यहाँ पे मैंने जो आई है मुझे छोटे से बड़ा देना चाहिए था, तो 135 से 190 देना चाहिए, 135 से 190 देना चाहिए। अब मैंने इसे वापस से सेलेक्ट किया और इवेल्युएट सिलेक्शन करता हूँ, यानी F9 प्रेस करता हूँ, तो देखो इसने मेरे को वो सेंटर वाला जो था सिर्फ उतना सा इमेज काट के दिखा दिया। अब इतने से इमेज में मैं काउंट कर लूँगा, फिर भी मैं आपको कंसेप्ट और अच्छे से बताने के लिए कि मैं सच में वहीं पे हूँ, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, जस्ट 210 ले लेते हैं। इसको भी मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा विंडो लेके दिखाता हूँ ताकि उसके अंदर आपको एक स्क्वायर दिखाई दे सके, 270। और ये भी मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, 55 ले लेता हूँ। थोड़ी सी बड़ी इमेज अगर अपन काट लेते तो आपको बीच में वो वाइट कलर का स्क्वायर दिख जाता है, जिससे प्रूव हो जाता है कि हाँ ये जो 25 है उसमें से अपन सेंटर वाले की बात कर रहे हैं और अपने मेजरमेंट्स बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ये चीज़ प्रूव हो गई है, चूँकि ये वाइट कलर का स्क्वायर यहाँ पे आपको दिख रहा है, इससे प्रूव होता है कि मैंने गलत नहीं काटा है इमेज को, इमेज गारंटेड सही काटी गई है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे ये वाइट स्क्वायर है, उसके अलावा इसमें कहीं भी वाइट स्क्वायर नहीं है, एक सर्कल पे एक वाइट स्क्वायर कहीं नहीं है। वैसे ये जो अरीना बना हुआ है, इसे अपन लोग गेम अरीना कह के रेफर करेंगे, ये 5x5 के टिकटैक्टो के लिए है, 6x6 का टिकटैक्टो भी खेला जा सकता है इस रोबोट से, और 7x7 का भी टिकटैक्टो खेला जा सकता है। अब अपन एक बहुत ही क्रूड एल्गोरिथम लिखने वाले हैं ये कैलकुलेट करने के लिए कि अंदर कलर क्या है। तो अपन लोग क्या करते हैं कि जो अपने पास सब इमेज है उसकी सारी रोज, उसके सारे कॉलम्स, पर उसका केवल पहला वाला प्लेन, रेड प्लेन जो है वो ले लेते हैं और अपन उनका सम करते हैं, यानी कि सारी रोज, सारे कॉलम्स और रेड प्लेन जो है उसके अंदर जो भी नंबर्स पड़े हैं उन सारे नंबर्स का सम करते हैं। पर ये टू डिमेंशनल मैट्रिक्स है, इसमें केवल कॉलम्स का सम होके आएगा, उन कॉलम्स के सम का भी अगर हम सम करते हैं तो अपने को मिल जाएगा सिंपली एक नंबर। जब अपन किसी 2D मैट्रिक्स के ऊपर सम को लगाते हैं तो वो केवल कॉलम वाइज सम करता है और आंसर जो आता है वो उन सारे कॉलम्स का, इंडिविजुअल कॉलम्स का सम आता है। तो जितने कॉलम्स थे उतने सारे आंसर आ जाते हैं। उन सारे आंसर्स का भी अगर अपन वापस से समीशन करते हैं जो कि बाहर वाला सम कर रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि हमें समीशन ऑफ रेड इंटेंसिटीज मिल गया है। तो समीशन ऑफ रेड इंटेंसिटीज हमने निकाला, बहुत ही क्रूड तरीका है निकालने का, और फिर समीशन ऑफ ब्लू इंटेंसिटीज निकाला सेकंड प्लेन करके, और फिर समीशन ऑफ ग्रीन इंटेंसिटीज निकाला। यहाँ पे अपन जी लिख देते हैं, आर जी बी करना था एक्चुअली, आर जी बी, और यहाँ पे अपन थर्ड प्लेन ले लेते हैं। फिर इन तीनों नंबर्स को अपन कंपेयर करके देख लेंगे, मैं सेमी कॉलन नहीं लगा रहा हूँ ताकि अपन रिजल्ट देख सकें। विंडो साइज मैं वापस से पहले जैसी करना चाहता हूँ, तो पहले वाली वैल्यूज वापस दे देता हूँ। ओके, उसके बाद में मैं इस पूरे प्रोग्राम को रन करता हूँ। रन करने के बाद में मेरे पास ये जो तीनों वैल्यूज हैं, सम ऑफ रेड इंटेंसिटीज, सम ऑफ ग्रीन इंटेंसिटीज और सम ऑफ ब्लू इंटेंसिटीज, ये डिस्प्ले होता है मैटलैब की कमांड विंडो पे। इसमें मुझे तीन नंबर्स मिल रहे हैं, मुझे सिंपली यहाँ पे तीन नंबर्स मिल रहे हैं, जैसा कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं। इन तीन नंबर्स में से एक नंबर जो है वो 12 लाख समथिंग है, एक 13 लाख समथिंग है, एक 11 लाख है। तो 11 लाख, 12 लाख और 13 लाख तीन नंबर मिल रहे हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। 13 लाख इनमें से बड़ा है, यानी कि ग्रीन कलर इसमें मेजॉरिटी का कलर है। अब अपन सेम एक्सरसाइज को रिपीट करते हैं, यानी कि ये पूरा कोड मैं वापस से कॉपी कर लेता हूँ और ये पूरा कोड अपन वापस रन करते हैं पर दूसरी इमेज के साथ। तो ये कोड मैंने वापस यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे जो मैंने दूसरी इमेज ली थी जिसके अंदर मैंने रेड लिखा था,
तो उसका नाम था रेडमेड जहां तक मुझे ध्यान है। और अब अपन इस प्रोग्राम को वापस रन करते हैं और फिर रिजल्ट देखते हैं और दोनों को कंपेयर करते हैं। इस बार जो अपन देख रहे हैं ये रेड वाली गोटी जो थी वो मिडल के अंदर पड़ी है, और ऊपर वाली इमेज के अंदर जो थी वो ब्लैंक था और इसके अंदर रेड है। ये तो अपने को पहले से पता है, लेकिन मैथमेटिकली क्या अपन इसे कर पाए? तो देखो, इस बार अपने पास पहले वाली इमेज का तो वही डेटा है, 12 लाख समथिंग, 13 लाख समथिंग और 11 लाख। ऊपर वाले से तो ये चीज क्लियर हो गई। एक मैं बीच में लाइन भी खींच देता हूँ, DISP यानी डिस्प्ले, और एक लाइन खींच देता हूँ दोनों के बीच में, ताकि अपन आउटपुट्स के बीच लाइन खींची हुई देख सकें। और वापस से इसे रन करता हूँ और वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे आता हूँ, तो अपन देख रहे हैं कि जो पहले मेजोरिटी था वो 13 लाख का था और वो समीशन ऑफ ग्रीन आ रहा था। और अब अगर अपन देखें तो रेड वाला जो नंबर है वो बहुत बड़ा नंबर है, यानी कि रेड जो है अभी जो वापस से तीन वैल्यूज आई हैं इनमें रिलेटिवली सबसे बड़ा कौन है? देखिए, ब्लू जो है वो 6 लाख समथिंग है, ग्रीन जो है वो 8 लाख समथिंग है, और रेड जो है वो 10 लाख समथिंग है। तो चूंकि समीशन ऑफ रेड इंटेंसिटीज ज्यादा आ रहा है, इसलिए बीच के अंदर रेड गोटी पड़ी है। ये इकलौता एल्गोरिथम नहीं है जिससे पता किया जा सकता है कि वहां पे कौन सी गोटी पड़ी है, लेकिन एक बहुत ही सिंपल तरीका जो अपन काम में लेना चाहते थे उससे अपन ने पता लगाया कि वहां पे कौन सी गोटी बीच में पड़ी है। इसमें अपन लोग एक जगह पे फिगर और लगा दें तो अपन सब कुछ ढंग से देख सकते हैं। फिगर से एक नई फिगर विंडो खुलती है, तो जब भी आप IM शो कर रहे हैं उससे पहले आप नई फिगर विंडो खोल रहे हैं, तो हर चीज एक सेपरेट फिगर विंडो में आएगी। ओके, वापस से रन करता हूँ इस प्रोग्राम को और आपको सारी फिगर विंडोज ढंग से वापस दिखाता हूँ एक बार। तो फिगर विंडो वन जो अपने पास में है, फिगर विंडो वन में वो इमेज है जिसके सेंटर के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा था और जिसके अंदर ग्रीन इंटेंसिटी जो थी वो सबसे ज्यादा आई थी, क्योंकि इसमें रेड और ब्लू का चेकर नहीं पड़ा था। जबकि हमने नेक्स्ट इमेज जब ली, उस नेक्स्ट इमेज के अंदर रेड बीच में पड़ा है। सब इमेज की साइज हमने वही रखी, बिल्कुल चेंज नहीं की। और इस बार जो हमने समीशन देखा था कमांड विंडो के ऊपर, तो इसमें रेड मेजोरिटी था, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रेड कलर का चेकर पड़ा है। तो ये जो अभी अपन ने सॉल्व किया, ये एक लाइक बहुत ही रूडिमेंट्री तरीका है, और 25 गोटियों के लिए अगर आपको पता करना है तो आपको इसमें 25 ऐसी ऐसी सब इमेजेस लेनी पड़ेगी। एक सब इमेज, 2, 3, 4, 5, ऐसे 10, ऐसे 15, ऐसे 20, और ऐसे यहाँ तक आपको 25 सब इमेजेस प्रोसेस करने के बाद पता चलेगा कि किस जगह पे कौन सा चेकर पड़ा है। लेकिन ये काम बड़ा डोंकी मेथड वाला है कि यहाँ पे हमने कर्सर को क्लिक किया, फिर हमने इसका XY देखा, फिर हमने इसका XY देखा, और कल को अगर हम रोबोट को पूरा डिसमेंटल करते हैं, सारे पार्ट्स अलग करते हैं और वापस सारे पार्ट्स जोड़ते हैं और कैमरा वापस सेंटर से पिक्चर लेता है, तो पिक्चर जरूरी नहीं है। जैसे अभी अपन देख रहे हैं कि ये जो पिक्चर कैप्चर की गई है ये यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा पड़ा है बोर्ड, तो अगली बार अपने को दूसरी तरीके से बोर्ड दिखेगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपन ROI, ये जो SI अपन ने लिया है, सब इमेज जो लिया है, ये बेसिकली अपना एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंटरेस्ट था जिसके अंदर अपन इंटरेस्टेड थे। अब अपने पास में 25 ROI हैं, 25 एरियाज हैं इस इमेज के जिनको प्रोसेस करने में अपन इंटरेस्टेड हैं, और अपन को उन 25 एरियाज में पता लगाना है, तो उस पर अपन काम करेंगे। तो अपन अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं और एक नया नाम देते हैं, ROI टेस्ट _002, और इसमें हम लोग वापस से नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं कि इसी के लिए सोफेस्टिकेटेड मेथड कौन सा है। तो पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कि ROI एडिटिंग टूल का एग्जाम्पल क्या है। तो आपको सैम्पल ROI एडिटिंग टूल दिखा देते हैं और फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको वीडियो आगे कंटिन्यू करना है या नहीं। तो यहाँ पे ROI एडिटिंग टूल दिखाया गया है, इसके अंदर अलग अलग पोजीशंस पे अपन लोग ड्रैगेबल रेक्टेंगल्स को देख रहे हैं, और साइड में जो अपने पास में न्यूमरिक डेटा आ रहा है, अल्टीमेटली अपने को पता ये करना है कि ये 1x1, 1x2, 1x3, टोटल ये 5x5 की मैट्रिक्स है। तो अपना
जो SI जो अपन ले रहे थे, सब इमेज जो ले रहे थे, उस सब इमेज का X कोऑर्डिनेट स्टार्टिंग क्या है, उसका Y कोऑर्डिनेट स्टार्टिंग क्या होगा, उसकी विड्थ कितनी होगी सब इमेज की, और उस सब इमेज की हाइट कितनी होगी। तो टोटल अपने पास में 25 सब इमेजेस थी, यानी 5x5 सब इमेजेस थी। तो उन इमेजेस के हमने नाम रख दिए हैं, नाम रख दिए हैं, यानी 1x1 पहली वाली इमेज है, 1x2 दूसरी सब इमेज होगी, ऐसे करके जो पूरी टिक टैक टो की मैट्रिक्स थी उसको 5x5 टुकड़ों के अंदर, यानी 25 टुकड़ों के अंदर उसे ब्रेक कर दिया गया है। और इसका नाम है ROI एडिटर GUI, जो कि इस वीडियो के अंदर डेवलप किया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि 25 आपके पास में ये अलग अलग कलर्स के मार्कर्स हैं, और ये हर कोई ड्रैगेबल है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो वो जो अपना मैनुअल काम था, डोंकी वर्क था, जिसमें अपन लोग ये पता कर रहे थे कि विंडो कहाँ से कहाँ तक होगी, या फिर आप एक बार रोबोट को डिसमेंटल करके वापस जोड़ते हैं, कैमरा थोड़ा अलग जगह से फोटो खींचना शुरू करता है अगली बार। तो ये ROI एडिटर टूल अपने को सिर्फ एक बार काम में लेना है, जब वेरी फर्स्ट टाइम रोबोट को जोड़ा जाता है और रोबोट के कैमरे की पोजीशन फिक्स की जाती है, तब आप ये ROI टूल यहाँ पे काम में लेते हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर दिखाया गया है, ये एक्स पोजीशन है, स्टार्टिंग एक्स पोजीशन, यानी कि जिस भी ड्रैगेबल पे आप क्लिक करते हैं उसका डेटा आना शुरू हो जाता है। तो जैसे मैंने इस मैजेंटा वाले पहले 1x1 वाले पे क्लिक किया, तो ये मुझे बता रहा है कि इसका एक्स पोजीशन क्या है स्टार्टिंग, वाई पोजीशन क्या है स्टार्टिंग, यानी वाई कॉमा एक्स क्या है, इसकी विड्थ कितनी है और इसकी हाइट कितनी है। क्लोज विंडो टू सेव, विंडो को क्लोज करने पे ये पूरा डेटा जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं वो सेव हो जाएगा। मैं अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए ये 5x5 पे जो दे रखा है, यानी कि सबसे कॉर्नर वाला जो दे रखा है, इसका मैं साइज बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। अभी इसकी विड्थ जो है ये 66 आ रही है और हाइट 66 आ रही है। अब मैं अगर इसे बड़ा करता हूँ तो अपने आप ये इसकी जो साइज है वो चेंज कर रहा है। यहाँ पे अब 179 179 आ गया है, क्योंकि मैंने इसे इतना बड़ा कर दिया है, जबकि इसके पास वाला 60x60 आ रहा है। तो ये GUI जो अपन ने बनाया है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो बनाया है, इसके अंदर अपन ये ड्रैगेबल रेक्टेंगल्स बना रहे हैं, वो भी गिनती में 25 बना रहे हैं, ताकि अपन हर एक की पोजीशन यहाँ पे दे सकें। और फिर अपने पास जब 25 सब इमेजेस हो जाएंगी, तो अपने को एक्चुअली इससे अपने को पता चल जाएगा कि सब इमेज को कहाँ से कहाँ तक, चीज को एक सब इमेज कंसिडर किया जाए। तो अब अपने को यहाँ पे डेटा कर्सर पे जाके और वो एक्स वाई पता करने वाला काम नहीं करना पड़ेगा, ये सारा काम अपने पास ये ड्रैगेबल रेक्टेंगल्स कर देंगे। उसके बाद में अपने पास ये सारी इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी, जिसको अपन एज इट इज यूज कर लेंगे इन सब इमेजेस को कट करने के लिए, या मेन इमेज को मास्क करने के लिए। तो ये जो चीज अपन ने देखी, ये ROI एडिटर है जो अपन इस वीडियो में बनाने चाहते हैं। अगर आप ये एज इट इज रेडीमेड यूज करना चाहते हैं, तो ये इंटायर वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। अगला वीडियो जो है वो इसके आगे का है, नेक्स्ट वीडियो बताएगा कि एक बार आपने ROI टूल से सारी चीज कॉन्फिगर कर ली कि आपको सब इमेजेस कैसे कैसे काटनी है, तो अगला वीडियो जो है वो बताएगा आपको कि इस इमेज को टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। थीम बेसिकली वही रहेगी कि रेड पिक्सेल मेजोरिटी में है तो रेड चेकर पड़ा है, ब्लू पिक्सेल मेजोरिटी में है तो ब्लू पड़ा है, और ग्रीन पिक्सेल मेजोरिटी में है तो ग्रीन पड़ा है। तो ये जो इंटायर वीडियो है, ये ROI एडिटर, ये जो एडिटर आप देख रहे हैं, ये एडिटर कैसे बनाया गया उस पे ये वीडियो है। और इस विंडो को मैं क्लोज करता हूँ, क्लोज करने के बाद मुझे ये कह रहा है सेव्ड ROI डेटा इन फाइल ROI डेटा डॉट मैट। तो एक डॉट मैट फाइल यहाँ पे बन गई है, और पुरानी जो फाइल थी वो भी इसने संभाल के रखी है। हो सकता है कि नया कॉन्फ़िगरेशन आपको पसंद नहीं आए, तो बैकअप डेटा फाइल भी इसने, बैकअप कैलिब्रेशन का एक हमने फोल्डर बना रखा है, बैकअप कैलिब्रेशन। तो बैकअप ROI और डेट और टाइम लगा के ये उसको बैकअप वाली को भी सेव कर देता है। तो ये इंटायर वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपको ROI टूल रेडीमेड काम में लेना है, रेडीमेड ROI टूल अगर आपको चाहिए टिक टैक टो खेलने वाले टूलिंक रोबोट आर्म मॉडल के लिए, तो वो सपोर्टिंग वेब पेजेस पे पड़ा है, www.vtirobo/tlram। इसमें आपको कहीं पे YouTube सपोर्ट पेजेस मिल जाएंगे, और उस पे आपको ये ROI टूल का पूरा कोड रेडीमेड मिल जाएगा।
और इस टूल में अपन ये आरओआई बनाने के लिए सीखेंगे, मैटलैब के अंदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कैसे बनाया जाता है ये सीखेंगे। जब आप मैटलैब की हेल्प में IMROI टाइप करते हैं, IMROI और एंटर प्रेस करते हैं, तो आपको रीजन ऑफ इंटरेस्ट की बेस क्लास दिखती है जिसका नाम है IMROI। इसके अंदर अपन उन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे जो अपन यूज लेने वाले हैं। IMRect है क्रिएट ड्रैगेबल रेक्टेंगल जो कि अपन यूज लेने वाले हैं। इसके अलावा ड्रैगेबल फ्री एंड रीजन भी है, ड्रैगेबल इलिप्स भी है, ड्रैगेबल पॉइंट भी है, ड्रैगेबल लाइन भी है और ड्रैगेबल पॉलीगन भी है। और भी बहुत अच्छे इसके अंदर बाइनरी मास्क, इंटरेक्टिव टूल्स, आरओआई बेस्ड प्रोसेसिंग वगैरह पे आर्टिकल्स दे रखे हैं जो आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग क्रिएट ड्रैगेबल रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं और सिंपली अगर अपन लिखते हैं IMRect तो एक रेक्टेंगल बन जाता है जो कि एक ड्रैगेबल रेक्टेंगल है। तो अपन अपने प्रोग्राम के अंदर IMRect लिखते हैं और इसको अपन रन करते हैं। प्रोग्राम रन करने पे अपनी इमेज ओपन होती है और इस इमेज पे अब ये कर्सर जो है वो चेंज हो गया है, अलग तरह का कर्सर आ रहा है। और अब अगर मैं इस पे लेफ्ट क्लिक करता हूँ और बटन को दबाए रखता हूँ और माउस को मूव करता हूँ तो एक रेक्टेंगल बन जाता है। और रेक्टेंगल कह दो, स्क्वायर कह दो, क्योंकि अभी तक अपन इसको चेंज कर सकते हैं साइज को। तो ये ड्रैगेबल रेक्टेंगल है, इसको अपन हर तरीके से चेंज कर सकते हैं, लेंथ वाइज, ब्रेथ वाइज, इसकी टोटल की साइज, इसको पूरे को उठा के मूव कर सकते हैं अपन किसी जगह पे। तो ये ड्रैगेबल रेक्टेंगल जो है वो यहाँ पे बन गया है। और अगर अपन कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट पे अपने को दिखा रहा है IMRect लिखने से कि ये IMRect बन गया है और ये डिलीटेबल भी है। अपन इस पे राइट क्लिक करके डिलीट वगैरह कर सकते हैं। इसका एस्पेक्ट रेशियो अगर अपन फिक्स कर देते हैं तो उससे इसमें केवल अपन डायगनली इसको फिर बड़ा छोटा कर सकते हैं। और फिक्स एस्पेक्ट रेशियो हटा देते हैं तो फिर अपन इसको लेंथ वाइज, ब्रेथ वाइज, हाइट वाइज, मतलब कैसे भी किसी तरह से भी चेंज कर सकते हैं। सेट कलर से अपन इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हैं जो अपन थोड़ी देर बाद काम में लेने वाले हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जिसमें अपन इंटरेस्टेड हैं वो है कि इसकी पोजीशन क्या है, यानी कि इसकी स्टार्टिंग एक्स वाई पोजीशन क्या है और इसकी ब्रेथ कितनी है और इसकी हाइट कितनी है। इस प्रॉपर्टी के अंदर अपन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है। फिर अपन अपने कोड के अंदर और एडिट करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एच इक्वल्स टू IMRect। एच का मतलब है हैंडल। अगर अपने पास किसी भी चीज का हैंडल होता है तो अपन उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हैंडल अपने लिए यूजफुल है। तो लेट अस से कि एच इक्वल्स टू अपन IMRect लिख देते हैं। और गेट पोजिशन एक फंक्शन है तो अपन एक POS नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और इसे कहते हैं गेट पोजिशन और फिर इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो अपन देखते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे ये figure 1 मैंने खोला, मेरे को माउस का कर्सर ऐसा मिल गया और ये मैंने बनाया। और जैसे ही मैं माउस के लेफ्ट बटन को रिलीज करता हूँ वैसे ही मुझे एक एरर आ जाती है, अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल गेट पोजिशन। एक्चुअली पी कैपिटल है पोजिशन के अंदर और इसकी हेल्प अपन देख सकते हैं। और वापस से इसे रन करते हैं, पीछे बैकग्राउंड में मैटलैब का कमांड प्रॉम्प्ट और आगे अपनी फिगर विंडो। मैं क्लिक करता हूँ, इसे बनाता हूँ और जैसे ही मैं लेफ्ट माउस बटन को रिलीज करता हूँ वैसे ही यहाँ पे इसकी पोजीशन आ जाती है, इसकी एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, ब्रेथ और हाइट। चूंकि ये स्क्वायर जैसा दिख रहा है इसलिए इसकी ब्रेथ और हाइट सेम है ऑलमोस्ट, तो ये 72.70 हो गई। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि प्रोग्राम जो है वो तो टर्मिनेट हो चुका है क्योंकि मेरे को यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट वापस मिल गया है मैटलैब का। और अब अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, मान लो थोड़ा सा मुझे और छोटा बड़ा करना था और मैं माउस का लेफ्ट बटन छोड़ चुका हूँ, तो अब ये पोजीशन अपडेट नहीं हो रही है। तो एक तो अपने को ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, दूसरी बात है कि ये एस्पेक्ट रेशियो अगर मैं फिक्स करना चाहता तो वो कैसे किया जाए।
और मैं इसको अब क्लोज कर देता हूँ। तो ये फाइनल मान लीजिए वो पोजीशन है जो मुझे चाहिए थी, पर ये पोजीशन तो पहले ही बता चुका है जिसे मैं चेंज अब नहीं कर सकता हूँ। इसी तरीके से अपन एक काम और करते हैं कि अपन हेल्प में चलते हैं और आई एम आर ओ आई जो कि इसकी बेस क्लास है उस पर चल के लेफ्ट क्लिक करता हूँ मैं। और इसमें अगर अपन देखें तो इसमें एक गेट पोजिशन करके मेथड है जिसको अपन अभी काम में ले रहे थे। गेट पोजिशन रिटर्न करंट पोजिशन ऑफ आर ओ आई ऑब्जेक्ट, तो एक करंट पोजिशन रिटर्न करता है, यानी कि जब ये फंक्शन कॉल हुआ उस वक्त जो भी पोजिशन थी वो ये रिटर्न कर देता है। एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं, इसमें मैं एच की जगह इसका नाम दे देता हूँ ए, और यहाँ पे भी मैं ए दे देता हूँ। उसके बाद में मैं दो तीन इमेज रेक्टेंगल्स बनाना चाहता हूँ, एक का हैंडल ए हो गया, एक का हैंडल बी हो जाएगा, एक का हैंडल सी हो जाएगा, तो बी और सी, और तीन अलग अलग पोजीशंस मेरे पास हो जाएंगी। मैंने पीछे सेमीकॉलन नहीं लगाया है इसलिए सारा डेटा जो है वो प्रिंट होगा, ए बी और सी की पोजीशंस प्रिंट हो जाएगी। अब मैंने इसे रन किया है और पीछे मैं बैकग्राउंड के अंदर कमांड विंडो खोल लेता हूँ, और ये मैंने पहला रेक्टेंगल बनाया और ये मैंने रिलीज कर दिया। अभी मैं इसको मूव नहीं कर सकता हूँ, ये मैंने सेकंड रेक्टेंगल बनाया, ये मैंने थर्ड रेक्टेंगल बना के जैसे ही माउस के लेफ्ट बटन को रिलीज किया वैसे ही तीनों का डेटा आ गया। अब मैं इनको मूव तो कर सकता हूँ लेकिन मेरा डेटा अपडेट नहीं हो रहा, यानी मैं ये पोजीशन चाहता था तीन, एक पोजीशन, दो पोजीशन और तीसरी पोजीशन मैं यहाँ पे चाहता था, पर उससे पहले ही वो पोजीशन कंप्यूट कर चुका है। तो ये प्रॉब्लम मेरे को इस प्रोग्राम के साथ है जिसे मैं आने वाले समय में रिजॉल्व कर रहा हूँ। जैसे हमने आई एम रेक्ट देखा वैसे आई एम ई एल एल आई पी एस ई, आई एम एलिप्स भी है, आई एम फ्री हैंड भी है, आई एम पॉइंट भी है, आई एम लाइन भी है। तो इसमें अगर अपन देखें मैटलैब कमांड प्रॉम्प्ट को बैकग्राउंड में रखा और मैं पहली बार बनाता हूँ तो रेक्टेंगल बन रहा है, दूसरी बार बनाता हूँ तो मेरे पास में ये एलिप्स बन रहा है जिसे मैं सर्कल की तरह भी काम में ले सकता हूँ, और तीसरी बार मेरे पास में फ्री एंड है, इसमें मैं फ्री एंड के अंदर जैसा बनाना चाहूँ वैसा बना सकता हूँ। तो और जैसे ही मैंने ये माउस बटन यहाँ से रिलीज किया तो इसने मेरे को इतनी सारी चीज़ें आउटपुट में दे दी। एक्चुअली ये इतनी सारी नहीं है, पहले तो रेक्टेंगल की पोजीशंस है मेरे पास में, उस रेक्टेंगल के बाद में एलिप्स के लिए रिलेटेड डेटा है, और फिर ये जो पोजीशन इतनी सारी देख रहा हूँ ये फ्री हैंड के लिए डेटा है कि फ्री हैंड वाला वो जो मैंने बनाया था उसके लिए इतने सारे कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी उस फ्री हैंड आकृति को डिफाइन करने के लिए। हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं वर्जन 2 बनाने के लिए, नेक्स्ट वर्जन बनाने के लिए, और नेक्स्ट वर्जन के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है अपने को, वेट वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि अपने लिए वेट नहीं करता है, अपन चाहते हैं कि रेक्टेंगल के बाद में अपने पास वेट करे और फिर अपन बोलें उसके बाद में ये पोजीशन दिखाए। उसके लिए अपन हेल्प लेने के लिए वापस इसकी बेस क्लास के अंदर चलते हैं और बेस क्लास में अपने को एक वेट नाम का फंक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कहता है कि ब्लॉक मैटलैब कमांड लाइन अंटिल रीजन ऑफ इंटरेस्ट क्रिएशन इज फिनिश्ड। तो अपन ये वाला जो ब्लॉक है ये यूज करते हैं, तो वेट के बाद अपने को पोजीशन रिटर्न कर देगा, एक्सेप्टेड पोजीशन इक्वल्स टू वेट, और इसके अंदर अपन को एच यानी कि हैंडल जो है वो देना है। ओके, तो अपन अपने एडिटर में जाते हैं और यहाँ पे अपने हैंडल का नाम जो है वो है ए, इसमें हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है यू इंडिकेट कंप्लीशन बाय डबल क्लिकिंग ऑन आर ओ आई ऑब्जेक्ट, यानी जब आप फाइनल पोजीशन जो भी आपको बतानी है वो बता दें उसके बाद आर ओ आई ऑब्जेक्ट पे आपको डबल क्लिक करना है।
तो अपन यहाँ पे जाते हैं, और अब जो अपनी एक्सेप्टेड पोजीशन है, यानी कि पॉज यहाँ पे अपन दे देते हैं, गेट पोजीशन की जगह अपन लोग यहाँ पे वेट लिख देते हैं, और इस प्रोग्राम को अपन रन करते हैं। यहाँ पे अपने पास एडिटर है और ये अपना फिगर है, ये अपन ने बनाया। अब अपन देख रहे हैं कि इसने इमीडिएटली यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया है, और अपने पास एक इसने मौका दिया है कि अपन जब तक चाहें इसे एडिट कर सकते हैं, बड़ा किया, छोटा किया, इधर मूव किया, उधर मूव किया, उसके बाद अपन इसे सेंटर में ले आए, फिर बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद मैं सेंटर पे लेके आता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद इसने पूरा डेटा यहाँ पे लिख दिया है, और एक अपन इसमें चेंज और कर सकते हैं कि पूरा काम होने के बाद में विंडो को क्लोज कर दे। फिर मैं वापस से इसे रन करता हूँ प्रोग्राम को, और ये कमांड विंडो हो गई, ये फिगर हो गया, ये मैंने रेक्टेंगल बनाया, उसके बाद में मुझे जहाँ मूव करना था मैंने मूव कर दिया, उसके बाद में फाइनली मैंने इस पर डबल क्लिक कर दिया, इसने पोजीशन दी और क्लोज कर दिया। इस प्रोग्राम को और इम्प्रूव करते हैं अपन, अगले वर्जन पे आते हैं। अगले वर्जन में अपन यूज़र के लिए लिख सकते हैं एक छोटा सा नोट, यहाँ पे टाइटल दे देते हैं इस आई एम शो के बाद में, ताकि यूज़र को पता चले कि कैसे ये विंडो सेव होगी। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे कि डबल क्लिक ऑन ROI रीजन टू सेव कह सकते हैं। वैसे अपन एक्चुअली सेव नहीं कर रहे हैं, सेव लोकेशन और डिस्प्ले लोकेशन टू डिस्प्ले फाइनल लोकेशन, डिस्प्ले फाइनल पोजीशन। तो इससे यूजर को पता चल जाएगा। और दूसरा हम लोग चाहते हैं कि अपन इसका एस्पेक्ट रेशियो फिक्स करते हैं, तो अपन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। अपन लोग अगर चाहें तो सेट कलर काम में ले सकते हैं, और इसका हैंडल यहाँ पे पास करते हैं और कलर की वैल्यू रेड बता देते हैं। तो जो ड्रैगेबल रेक्टेंगल आ रहा था वो रेड कलर का आएगा, बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर का आ रहा था, अपन ग्रीन कलर का भी ले सकते हैं, अपन सियान कलर का ले सकते हैं, मैजेंटा कलर का ले सकते हैं, तो जैसा आप चाहें उस कलर का ये आ जाएगा। सेट कलर एक चीज़ है। उसके बाद में अपने को एक प्रॉब्लम थी कि अपन चाहते थे कि ये केवल स्क्वायर डिस्प्ले कर सके, यानी कि इसे एज अ रेक्टेंगुलर एरिया नहीं ले सके, तो उसके लिए अपन यहाँ पे राइट क्लिक करके फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशियो कह रहे थे। जैसे अपन ने सेट कलर के लिए यहाँ पे लिखा, उसी तरह से अपन फिक्स एस्पेक्ट रेशियो जो है वो भी अपन प्रोग्राम में लिख सकते हैं। तो अपन प्रोग्राम के अंदर लिखना चाहते हैं उसकी जगह है, अपन वापस से प्रॉपर्टीज के अंदर जाते हैं, हेल्प के अंदर अपन देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज अपन सेट कर सकते हैं, और इसके अंदर अपने को मिल जाएगा सेट फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशियो। तो सेट फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशियो, तो आई एम रेक्ट जो अपना है इसके अंदर अपने को मिलेगा सेट फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशियो, और इसके अंदर दो चीजें पास करनी है, एक तो हैंडल अपने को पास करना है, और फिर अपने को टी एफ इज लॉजिकल स्केलर, ट्रू मीन्स दैट द करंट एस्पेक्ट रेशियो इज प्रिजर्व ड्यूरिंग इंटरेक्टिव रिसाइजिंग, फॉल्स मीन्स दैट इंटरेक्टिव रिसाइजिंग इज नॉट कॉन्स्ट्रेंड। तो अपन लोग ये यूज लेते हैं, यहाँ पे टी या एफ पास करना है, ट्रू या फॉल्स, तो अपन यहाँ पे वन पास कर देंगे ट्रू के लिए, और हैंडल अपना एच है ही है। अपन ने यहाँ से इसे कॉपी किया और अपने कोड में ले गए, सेट फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशियो मोड, हैंडल है ए, और इसमें अपन ने वन पास कर दिया। अब अगर अपन इस प्रोग्राम को रन करते हैं और ये बनाते हैं, तो ये अपने को नहीं करने दे रहा है, और इसका कलर भी रेड नहीं आ रहा है, जबकि अपन ने यहाँ पे सेट कलर रेड लिखा था। इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक किया है, कलर के अंदर सी कैपिटल आएगा। और फिर अपन यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे अपने को दिख गया अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल सेट कलर, तो सेट कलर में सी कैपिटल है, ये मैंने मिस्टेक की थी, इसकी वजह से आगे का कोड नहीं चला। तो कोड को अपन रीरन करते हैं, और जैसे ही मैंने ये बनाया तो ये रेड कलर का हो गया,
और उसके बाद में मैं इसको केवल फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशियो में चेंज कर सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे जो स्क्वायर्स आ रहे थे साइड में वो अब नहीं आ रहे हैं। एक और प्रॉब्लम है, इसको कोई फिगर से बाहर भी ले जा सकता है, जैसे मैंने इसे चालू किया, अब इसे कोई फिगर से बाहर ले जा रहा है, वो मैं नहीं चाहता हूँ। तो मैं इस रेक्टेंगुलर एरिया को कॉन्स्टेंट करना चाहता हूँ कि कोई इसको फिगर से बाहर नहीं ले जाए। अगर मैं चाहूँ कि इतने से एरिया के अंदर इसको कॉन्स्टेंट कर दूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो ये चीज करने के लिए हमारे को कुछ कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करने पड़ेंगे कि इसे इस इमेज से बाहर नहीं ले जाए। तो इमेज जो है वो फिगर के अंदर है, जैसा अपन देख रहे हैं इमेज जो है वो एक फिगर के अंदर है, और फिगर की एक्सेस प्रॉपर्टीज हुआ करती है, और एक्सेस की एक्स लिमिट और वाई लिमिट हुआ करती है। तो अगर मैं इसकी जो एक्स लिमिट और वाई लिमिट है इस फिगर के एक्सेस की, उस फिगर के एक्सेस की एक्स लिमिट और वाई लिमिट्स का कॉन्स्टेंट इसे दे देता हूँ कि इससे बाहर नहीं जाना है, तो फिर ये उससे बाहर नहीं जाएगा। तो मैटलैब हेल्प के अंदर मेक कॉन्स्ट्रेंट टू रेक्टेंगल फंक्शन, और इसके अंदर एग्जाम्पल्स में अपने को मिल रहा है कि अपन यहाँ पे टाइप बता देते हैं कि किस टाइप की चीज़ है जिसके लिए अपने को कॉन्स्टेंट बनाना है। तो अपने केस में आई एम रेक्ट है, इस एग्जाम्पल में आई एम पॉइंट दे रखा है। फिर गेटर मेथड एक दे रखा है जो कि यहाँ पे गेट करंट एक्सेस, जो करंट एक्सेस है उसकी एक्स लिमिट और करंट एक्सेस जो है उसकी वाई लिमिट। तो गेट जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक गेटर मेथड है, जो भी करंट एक्सेस होती है उसकी एक्स लिमिट निकाल देता है। तो ये दो चीजें अपने को काम में लेनी होगी, मेक कॉन्स्टेंट टू फंक्शन और सेट पोजिशन कॉन्स्टेंट फंक्शन। तो ये दो लाइन्स में अपने कोड के अंदर और ऐड कर देता हूँ। तो एफ सी एन से एक फंक्शन बन गया, वो फंक्शन मैंने सेट पोजिशन कॉन्स्टेंट फंक्शन में पास कर दिया, ए इसका हैंडल है। और अब अगर अपन इसको रन करते हैं प्रोग्राम को, जो ऑलरेडी रन हो रहा है, पहले वाले को क्लोज करना पड़ेगा, पहले वाले को क्लोज किया, दूसरा वापस रन किया और ये आ गया। इसके बाद अपन छोटा सा प्रॉब्लम रह गया था, यहाँ आई एम रेक्ट करना था, पहले यहाँ पे आई एम पॉइंट दे रखा था, इसकी जगह आई एम रेक्ट करना था क्योंकि अपन इमेज रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। इसके बाद मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, और प्रोग्राम को रन करने के बाद हम कमांड विंडो पे गए, कमांड विंडो के बाद फिगर को लाए फोरग्राउंड में। अब अपन ने ये बनाया, जैसे इसे छोड़ा इसका कलर भी रेड हो गया, एस्पेक्ट रेशियो भी अब इसका फिक्स हो गया है, और इस पर डबल क्लिक का, अच्छा अब अपन इसको नेगेटिव में नहीं ले जा सकते हैं, इस करंट एक्सेस से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं जो कि अपन चाहते थे, कॉन्स्टेंट अपना सेट हो गया है। अब अगर मैं इसे धक्का दे के बाहर ले जाना चाहता हूँ तो ये बाहर नहीं जा रहा है, यहाँ आके अटक जाता है। और फिर जो भी अपने को फाइनल जगह चाहिए उस फाइनल जगह पे अपन इसे ले आते हैं और इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये पोजिशन आ जाती है और वो क्लोज हो जाता है। तो ये एक गोल अपन ने अचीव कर लिया। और देखना चाहिए एफ आई जी यू आर ई फिगर लिख के एंटर करने पे एक फिगर विंडो ओपन हो जाती है, जी सी ए लिखने पे गेट करंट एक्सेस एक्सेस की जानकारी मिल जाती है, और इसमें अगर अपन देखें फिगर के अंदर तो अब एक्सेस बन गई हैं, और एक्स लिमिट और वाई लिमिट अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स लिमिट और वाई लिमिट 0 और 1 दे रखी है। तो ये 0 से 1 और ये 0 से 1। अभी अपने पास में जो एक्सेस प्रॉपर्टीज आई, अपन ने गेट करंट एक्सेस बोला तो इसने अपने को एक्स लिमिट 0 से 1 और वाई लिमिट 0 से 1 दिखाई है। अगर मैं अभी करता हूँ आई एम शो, और जो भी अपनी इमेज थी जैसे सैम्पल अंडरस्कोर ब्लैंक डॉट बी एम पी, और इसे मैंने एंटर किया तो फिगर के अंदर वो इमेज शो हो गई। अब अगर मैं गेट करंट एक्सेस करता हूँ तो C का मतलब करंट है, जो मौजूदा चीज़ है उसकी एक्सेस क्या है। तो अब अगर मैं देखूँ तो मेरी 640 क्रॉस 480 की इमेज थी, 0.5 का इसने मार्जिन छोड़ा है। तो X जो है वो 0.5 से लेके 640 0.5 तक आ रहा है, और 0.5 से लेके 480.5 तक आ रहा है। तो GCA हमेशा करंट एक्सेस को बताता है। तो अगर अपन लोग कहीं भी जो अपन ने कोड लिखा है उसके अंदर GCA लिखते हैं तो यहाँ पे जो भी करंट एक्सेस होती है वो आ जाती है।
कल को फिगर कोई दूसरा हो तो करंट एक्सेस फिर से बदल जाएंगी। इसलिए अपन को एक काम करना चाहिए कि एक्सेस जो है, जैसे ही अपन ने आई एम शो किया उसी वक्त अपन एक एएक्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दें और जीसीए लिख दें, तो गेट करंट एक्सेस जो भी उस वक्त की करंट एक्सेस थी वो एएक्स में आ जाएगी। उसके बाद अगर करंट एक्सेस बदलती है तो एएक्स नहीं बदलेगा, एएक्स कांस्टेंट रहेगा। इसलिए अपन जीसीए काम लेने की जगह यहाँ पे अगर एएक्स डाल देते हैं या कोई भी अपना वेरिएबल जो था वो डाल देते हैं तो अच्छी प्रैक्टिस है। यानी इमेज शो करते ही जो एक्सेस बनी थी, जो उस वक्त करंट एक्सेस थी, उसको अपन ने सेव कर लिया। अब अपन इस प्रोग्राम को और इम्प्रूव करने के लिए इसका एक और वर्जन क्रिएट करते हैं। ये मैंने सेव कर दिया और अपन इसमें वर्जन 5 पे आते हैं। वर्जन 5 के अंदर अपन नई चीज ये सीख रहे हैं कि अभी जो अपन ने यूजर इंटरफेस बना हुआ देखा, ग्राफ देखा, उसके ऊपर कोई बटन बना हुआ नहीं आ रहा था, लाइक सेव का बटन ऐसा कुछ। तो अपन इसके अंदर अगर बटन भी बनाना चाहते हैं तो अपन यूआई कंट्रोल की हेल्प लेते हैं और ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर आप मैटलैब की हेल्प में यूआई कंट्रोल लिखते हैं तो यहाँ पे हेल्प में आ जाता है क्रिएट यूजर इंटरफेस कंट्रोल ऑब्जेक्ट, जिसमें यहाँ पे पुश बटन भी दे रखा है, और ये सिंपल है। क्रिएट यूजर इंटरफेस कंट्रोल ऑब्जेक्ट, नीचे एक एग्जाम्पल दे रखा है। इस एग्जाम्पल के अंदर ये एक फिगर विंडो है, इस फिगर विंडो के अंदर एक ड्रॉप डाउन बना हुआ है, एक क्लियर नाम का बटन बना हुआ है और ये स्लाइडर भी बना हुआ है। तो अपन बटन बनाने में इंटरेस्टेड है, लाइक अपन सेव टाइप का कोई बटन बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्रिएट पुश बटन करके थोड़ा सैंपल कोड दे रखा है। इस क्रिएट पुश बटन कोड में लिखा है बटन इक्वल्स टू यूआई कंट्रोल स्टाइल पुश बटन स्ट्रिंग क्लियर, यानी कि उस पर क्लियर लिखा हुआ आ रहा है। पोजिशन यानी बटन कहाँ पे देना है, और कॉल बैक फंक्शन का मतलब है कि बटन प्रेस करने पे क्या हो, कोई फंक्शन कॉल हो जाए या बटन प्रेस करने पे क्या इवेंट होना चाहिए। अपन लोग यूआई कंट्रोल के इस पर्टिकुलर फॉर्म को काम में लेने वाले हैं। यहाँ पे अपन पेरेंट पास करेंगे, फिर नेम वैल्यू पेयर्स पास करेंगे। पेरेंट का मतलब क्या है, द पेरेंट आर्ग्यूमेंट कैन बी अ फिगर यूआई पैनल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अपने पास में जो चीज है वो फिगर है, तो पेरेंट जो है अपने पास में वो फिगर है। तो अपन लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन आई एम शो से पहले एक फिगर खोल लेते हैं, FIGURE फिगर खोल लेते हैं, और उस फिगर का हैंडल FH नाम के वेरिएबल में रख लेते हैं। FH यानी अपने पास में फिगर का हैंडल हो गया। उसके बाद में अपन लोग यहाँ पे वो जो अपन ने हेल्प में पढ़ा था बटन के बारे में, यूआई कंट्रोल के बारे में, वो यूज करते हैं एज इट इज। और ऐसे अपन ने पहले वेट काम में लिया था, उसी तरीके से एक यूआई वेट करके बहुत अच्छा फंक्शन होता है जो अपन अभी यूज करेंगे। तो मैटलैब की हेल्प में जब आप सर्च करेंगे और यूआई वेट देंगे तो आपको यूआई वेट मिलेगा। इसके अंदर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, ब्लॉक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड वेट टू रेज्यूम। और इस एग्जाम्पल को आप सिंपली सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, इवेल्युएट सिलेक्शन कीजिए, तो यहाँ पे आपको एक कंटिन्यू नाम का एक बटन बना हुआ दे रहा है। ये इसने कैसे किया है, इसने सबसे पहले एक फिगर बनाया है, उस फिगर के अंदर फिगर का हैंडल भी बनाया है F, और यूआई कंट्रोल बनाया है, पोजीशन दी है कि बटन कहाँ आना चाहिए और बटन के ऊपर कंटिन्यू लिखा आना चाहिए। कॉल बैक के अंदर दिया है यूआई रेज्यूम, उसका मतलब है कि ये आगे रिज्यूम करना शुरू हो जाए। डिस्प्ले दिस विल प्रिंट इमिडिएटली, उसके बाद में ये वेट करता रहेगा, ठीक है। गेट करंट फिगर और दिस विल प्रिंट आफ्टर यू क्लिक कंटिन्यू, और फिर क्लोज फिगर कर देगा। तो यहाँ पे यूआई वेट यानी कि ये जो यूजर इंटरफेस है ये तब तक वेट करेगा जब तक कि ये पर्टिकुलर फिगर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे अपन सर्च में गए, गेट करंट फिगर हैंडल देखा, उस वक्त अगर अपने पास मल्टीपल फिगर हुए तो जीसीएफ की वैल्यू बदल जाएगी, इसलिए अपन ने जो फिगर बनाया था अपने कोड के अंदर उसका अपन ने हैंडल भी सेव कर लिया था। तो अपन जब इसे यूज करेंगे तो इस फिगर हैंडल को काम में लेंगे। फाइनली उस एग्जाम्पल से यूआई कंट्रोल और यूआई वेट लिख दिया, उसके बाद में गेट पोजिशन एज यूजल है और क्लोज फिगर हैंडल, क्लोज के साथ फिगर हैंडल पास कर दिया है। तो ये प्रोग्राम अपन फाइनल रन करते हैं और
ये मैटलैब का कमांड विंडो है, इसके अंदर अपनी फिगर की प्रॉपर्टीज दिखा रहा है और ये फिगर है, इस पे अपन ने बना दिया। अब ये कोई मतलब नहीं है, डबल क्लिक ऑन आर ओ आई, ये लाइन अपन हटा देंगे। यहाँ पे अपन सेव एंड क्लोज करते हैं तो ये अपने को फाइनली ये पोजीशन दिखा देता है। अब इतना बनाने के बाद भी एक प्रॉब्लम इसके अंदर है, जैसे मैं इस प्रोग्राम को टेस्ट 5 को रन करता हूँ और इसको अगर मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूँ सिंपली और सेव एंड क्लोज पे क्लिक करता हूँ तो ये क्लोज हो जाता है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं सीधा ही इसको क्लोज कर देता हूँ तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ क्रिएट ही नहीं की, यानी कि ए जो कि अपने पास में हैंडल है आई एम रेक्ट का, वो बनने से पहले ही मैंने फिगर को क्लोज कर दिया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अगले वर्जन के अंदर, सेव एज, और अपन इसे करते हैं 5 की जगह 6। एक और प्रॉब्लम है इसी प्रोग्राम के साथ में, वो है कि अगर अपन इस प्रोग्राम को रन करते हैं और ये क्रिएट भी कर देते हैं, फिर अगर अपन सेव एंड क्लोज की बजाय यहाँ ऊपर से क्लोज करते हैं तो भी यहाँ पे एरर आ जाती है। क्यों? क्योंकि ए एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो फिगर विंडो ही क्लोज हो गई तो उसके अंदर बना हुआ जो आई एम रेक्ट था वो खुद ही नहीं रहा, वो खुद ही नहीं रहा तो उसकी पोजीशन कैसे बताए? तो डिलीटेड ऑब्जेक्ट की शिकायत कर रहा है, इनवैलिड और डिलीटेड ऑब्जेक्ट। जो ए है वो अब रहा ही नहीं, यानी कि जो आई एम रेक्ट था वो अब रहा ही नहीं तो उसकी पोजीशन कैसे निकालेगा? और जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, यहाँ पे एक ब्लॉक बनाता हूँ और इसे मूव करता हूँ, तो मेरे को इसकी लाइव पोजीशन भी डिस्प्ले करनी है, लाइक अभी कहाँ पे है, अभी कहाँ पे है। अगर मेरे को इसकी लाइव पोजीशन भी मूव करनी है तो मैं एक ऐड कॉलबैक फंक्शन इसके साथ में जोड़ सकता हूँ, यानी कि जब जब भी इसकी न्यू पोजीशन आएगी तब तब वो कॉलबैक फंक्शन होगा। तो एक फंक्शन है ऐड न्यू पोजीशन कॉलबैक, यहाँ पे मेरे पास में H जो है वो हैंडल है इमेज रेक्टेंगल का, तो जब जब इसकी पोजीशन चेंज होती है तब तक मैं एक कॉलबैक फंक्शन बुलाना चाहता हूँ, और उस कॉलबैक फंक्शन का नाम अपन कुछ रख देते हैं जैसे अपडेट फंक्शन। अपडेट फंक्शन नाम अपन एक नया फंक्शन बना देंगे, जब जब उसकी पोजीशन चेंज होगी तो ये फंक्शन कॉल होगा। हेल्प अपन इसकी ले लेते हैं और ओपन इन हेल्प ब्राउजर, इसमें जरूर स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक सही करने के बाद एड न्यू पोजीशन कॉलबैक आया, इसकी अपन डिटेल्ड हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है एड न्यू पोजीशन कॉलबैक टू आर ओ आई ऑब्जेक्ट, तो जो भी आर ओ आई ऑब्जेक्ट है, अपने केस में आई एम रेक्ट है तो वो अपना आर ओ आई ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए अपन लोग क्या कर रहे हैं, एक हैंडल पास करना है उस आर ओ आई ऑब्जेक्ट का और एक फंक्शन यहाँ पे पास करना है, और उस फंक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली पोजीशन पास कर देगा। तो एक फंक्शन अपने को यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फिर एक नया फंक्शन मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं मैटलैब में एडिटर में जाता हूँ और न्यू, और यहाँ पे फंक्शन का ऑप्शन दे रखा है, न्यू फंक्शन पे क्लिक करता हूँ, इससे मेरे को एक फंक्शन की बॉडी मिल गई। इस फंक्शन वाली फाइल में स्टार्ट फंक्शन से होती है, एंड में एंड लिखना पड़ता है, ये फंक्शन का नाम है। तो अपन कुछ भी फंक्शन का नाम दे सकते हैं, अपन इसका नाम अपडेट फंक्शन अगर देना चाहते हैं तो अपन ये नाम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इसका नाम अपडेट फंक्शन हो गया। और अपडेट फंक्शन के अंदर पोजीशन पास करनी है, जो भी फंक्शन का नाम हो उसके अंदर POS नाम का वेरिएबल ऑटोमेटिकली उसके अंदर पास होता है। तो अपन लोग यहाँ पे जाते हैं और अपन भी इसके अंदर इनपुट आर्ग्यूमेंट के अंदर POS दे देते हैं कि पोजीशन इसके अंदर पास हो रही है। अपन कोई यहाँ पे आउटपुट आर्ग्यूमेंट अभी नहीं दे रहे हैं, और ये हेल्प के लिए है, फंक्शन की हेल्प के लिए, ये हेल्प अभी अपन नहीं बना रहे हैं, और अपने पास में ये आउटपुट आर्ग्यूमेंट्स अभी नहीं है। अपन आउटपुट आर्ग्यूमेंट्स में एक चाहें तो ग्लोबल ले सकते हैं, ये इसका नाम जो होगा फंक्शन का वही फाइल का नाम होगा, तो अपन इसको सेव करें तो उसी नाम से सेव करें। अब अपन एक ग्लोबल वेरिएबल ले लेते हैं और उसका नाम रख देते हैं लाइक जी पॉस, यानी कि एक ग्लोबल वेरिएबल जिसका नाम है पोजीशन। ग्लोबल वेरिएबल जो है वो इस फंक्शन के अंदर भी यूज हो जाएगा,
तो अपन यहाँ पे कहते हैं जी पॉज इक्वल्स टू, और इसकी जो पोजीशन है, जो भी पोजीशन इस फंक्शन के अंदर आ रही है वो पोजीशन अगर अपन इसको दे देते हैं, और इतनी सी चीज लिख रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, पॉज जो है पोजीशन वो एक मैट्रिक्स है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। चलो मैं ये सिर्फ सेमी कॉलन हटा देता हूँ, इससे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। और अब इसको मैं रन करके देखता हूँ, ये अपना मैटलैब का कमांड विंडो है और ये अपना फिगर है, और अब मैंने ये बनाया और अब मैं इसे मूव करता हूँ तो यहाँ पे एरर आ रही है। इस एरर को पहले सॉल्व करते हैं। एरर आ रही है यूआई वेट के अंदर, दो छोटी छोटी मिस्टेक्स रह गई हैं, एक तो ये इक्वल टू यहाँ पे लगा हुआ रह गया था, वो अपने को हटाना था, एक अपने को बताना होगा कि ग्लोबल वेरिएबल अपन यहाँ पे काम में ले रहे हैं जी पॉस, और इसको अपन सेव कर लेते हैं GLOBAL ग्लोबल जी पॉस, ये अपने को बताना बाकी रह गया था। अब अपन इसे रन करते हैं और बैकग्राउंड में मैटलैब की कमांड विंडो लेते हैं, तो अब अपने को लाइव डिस्प्ले होती रहेगी इसकी पोजीशन, जैसे जैसे मैं इसकी पोजीशन बदलते जा रहा हूँ वो यहाँ पे लाइव डिस्प्ले होती जा रही है। तो अब अपन ने काफ़ी अच्छे से ये यूआई बना दिया है, फिर अपन इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। इस बार अपन ने बटन नहीं बना रखा है, इसको अपन क्लोज करते हैं तो अपने पास में फाइनल पोजीशन जो होती है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। ये फंक्शन रिटर्न होने के बाद भी अगर आप चाहें तो आपके पास जी पॉस के अंदर ये वैल्यू पड़ी हुई है और आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं या प्रिंट एफ कर सकते हैं, एफ प्रिंट एफ आउटपुट के अंदर आप नई लाइन पे प्रिंट करना चाहते हैं द फाइनल पोजीशन इज, और अगर आप चाहें तो इसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके भी डिस्प्ले कर सकते हैं। आप मैट टू एसटीआर को काम में ले सकते हैं जो मैट्रिक्स को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देता है और ये अपनी फाइनल पोजीशन दे देगा। तो ये मैंने बनाया, ये अपन यहाँ पे गए और फिगर पे गए, ये अपने को लाइव पोजीशन डिस्प्ले कर रहा है और जब अपन इसको क्लोज करते हैं तो फाइनल पोजीशन अपने को डिस्प्ले कर देता है। इसको अपन और अच्छा बनाना चाहते हैं थोड़ा, तो ये लाइन अपन यहाँ पे भी अपडेट फंक्शन के अंदर भी लगा देते हैं, यहाँ पे वापस सेमी कॉलन आ जाएगा और इसमें अपन फाइनल पोजीशन नहीं बोलते, अपडेटेड पोजीशन बोल देते हैं, अपडेटेड पोजीशन। तो अगर आप चाहें कि हर वक्त लाइव पोजीशन डिस्प्ले होती रहेगी तो वो भी अपन कर सकते हैं। ये मैटलैब कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, ये फिगर विंडो आ गया और इस पर मैं मूव कर रहा हूँ तो इसमें हर वक्त लाइव पोजीशन आ रही है, और जब भी मैं इस फिगर विंडो को क्लोज करता हूँ तो फाइनल पोजीशन जो थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। फाइनली इसके अंदर कुछ दो तीन छोटी मोटी चीज़ें और करते हैं तो ये बहुत अच्छा अपना टूल बन जाएगा। इसको अपन लोग एक अगले वर्जन तक ले जाते हैं जिसका नाम अपन 7 देते हैं। इस 7 के अंदर कुछ बेल्स एंड विसल्स भी ऐड कर देते हैं और एक ज़रूरी चीज़ ऐड करनी है वो भी अपन ऐड कर देते हैं। तो एक तो जब भी मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो इसके अंदर मैं इसका नाम देना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि ऊपर फिगर 1 लिखा हुआ आए, तो उसका भी अपन सॉल्यूशन निकालेंगे कि फिगर 1 लिखा हुआ नहीं आए और ये जैसे मैंने रन किया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है फिगर 1, मैं नहीं चाहता कि फिगर 1 लिखा आए, तो अपन इसमें प्रॉपर्टीज में जाके नंबर टाइटल ऑफ कर देंगे। फिर मैं चाहता हूँ यहाँ पे ROI टूल लिखा हुआ आए तो वो भी अपन इसमें दे सकते हैं। तो मैं कुछ लाइन्स इसके अंदर और ऐड करता हूँ, जैसे मैं कुछ सेटर मेथड्स को कॉल करता हूँ कि जो फिगर हैंडल है इसके अंदर नंबर टाइटल को ऑफ कर दें, नंबर टाइटल जो है उसे मैं ऑफ कर देता हूँ। ये एक प्रॉपर्टी हो गई, नंबर टाइटल फिगर का मैंने ऑफ कर दिया। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो इसमें ज़रूर कोई एरर है, NUMBER नंबर टाइटल ऑफ, और अपन देख रहे हैं कि अब ऊपर फिगर 1 लिखा हुआ नहीं आ रहा है। उसी तरीके से अगर अपन चाहें तो अपन इस फिगर की दूसरी प्रॉपर्टीज भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस फिगर का नेम देना चाहता हूँ
और नेम में अपन चाहते हैं कि ऊपर लिखा है आरओआई एडिटर टूल, और अब मैंने इसे रन किया तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर आरओआई एडिटर टूल लिखे हुए आ रहा है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर अपन चाहते हो कि ये जो रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल किसी इनिशियल पोजीशन पे डिस्प्ले हो, जो कि अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्यों है अभी आप जान जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि 120 क्रॉस 120 पे 50 क्रॉस 50 का रेक्टेंगल डिस्प्ले हो, तो ये आई एम रेक्ट की अपन इनिशियल पोजीशन यहाँ पे अगर देना चाहें तो वो अपन दे सकते हैं। तो अब देखो इनिशियली अपने को एक रेक्टेंगल यहाँ पे बना हुआ मिल रहा है और उसको अपन किसी भी फाइनल पोजीशन पे ला सकते हैं। अगर अपने पास में स्लो सिस्टम्स होते हैं तो ये फिगर पूरा उसमें बनते हुए दिखाई देगा, तो अगर अपन चाहें तो इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। अपन इसकी विजिबिलिटी ऑफ कर सकते हैं, विजिबल ऑफ, और सारा काम हो जाने पे, यानी कि जो भी अपने को इस पे बनाना है वो ये सारी चीज़ें बनाते हैं और उसके बाद में अपन इसकी विजिबिलिटी जो है वो ऑन कर देते हैं। तो ये विजिबिलिटी ऑन ऑफ करने से आपको पूरा फिगर एक साथ बना हुआ ही दिखेगा, बीच में कोई कंप्यूटर स्लो होगा तो उसमें हर चीज़ आपको बनती भी नहीं दिखेगी, ये पूरा एक साथ बना हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको एक आई एम रेक्टेंगल बनाना बताया है, अगर आप चाहें कि 25 आपको आई एम रेक्टेंगल बनाने हैं और वो भी किसी प्री डिफाइंड पोजिशन पे बनाने हैं तो इस तरीके से बनाए जा सकते हैं। आपको एक लूप चलाना होगा फॉर ऑल रोज एंड फॉर ऑल कॉलम्स, उस पर आप आई एम रेक्ट बनाते जाएंगे इस इमेज पे 5 रोज और 5 कॉलम के अंदर, और एंड में जो आपके पास में पोजिशन आती है इस पोजिशन को आप सेव कर लेंगे। तो ये आई एम रेक्ट हो गया, इसकी ये जो पोजिशन एंड में आती है तो आपके पास पोजिशंस का भी 25 का एक एरे आ जाएगा, और ऐसी ऐसी 25 लोकेशंस आप सेव करेंगे 25 अलग अलग रेक्टेंगल्स के लिए। तो 25 रेक्टेंगल्स बनाने का भी मैंने कोड बनाया है और वो सपोर्टिंग वेब पेज पे पड़ा है। कंक्लूड करने के लिए मैं फाइनल आपको आरओआई टूल जो कि कंप्लीट बनाने के बाद बनता है वो आपको एक बार रन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले पूछता है कि सैम्पल डॉट बी एम पी जो है उसको एक फाइल की तरह यूज़ किया जाएगा, और पुराना आर ओ आई डेटा जो सेव किया है उसको एज इनिशियल डेटा ले लें क्या। यस करने पे ये आर ओ आई यहाँ पे डेटा पुराना वाला डिस्प्ले करता है। फिर आपको जो भी पोजीशन बदलनी हो वो फाइनल पोजीशन आप इस पे चेंज कर सकते हो, जैसा अपन ने पहले करके देखा था। और क्लोज विंडो टू सेव लिखा हुआ है, विंडो क्लोज करने पे पूरा डेटा सेव कर देगा आर ओ आई डेटा डॉट मैट, और अपने पास आर ओ आई डेटा कैप्चर हो जाएगा। तो अगर आप इस प्रोग्राम को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सपोर्टिंग वेब पेज से डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें सारी चीज़ कंसिडर की गई है और कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी यूज़ की गई है जो किसी पर्टिकुलर टिक टैक टो रोबोट के लिए काम आ सकती है।